नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपके स्वागत है। पीएफ के जो पेंशन मिलता था पेंशनर के लिए बहुत बड़े अपडेट है। इस वाले वीडियो को आप देखते जाए तो अभी जाके आपको पता चलेगा। इस वाले वीडियो को सबको देखना जरूरी है क्योंकि आपने 10 साल अगर आपने काम कर लिया तो आपके जो पेंशन पैसे है वो पेंशनर में चला जाता है। जो पेंशन के पैसे हर महीना आपको मिलते रहेगा। जो पेंशनर के लिए जो भी अभी अपडेट है, जो प्रेस रिलीज हुआ है, पहले था नवंबर के महीने में आपके जीवन प्रमाण पत्र आपको जमा करना होता था। आप बहुत सारे अपडेट आया पूरे साल में, कभी भी आप अपडेट कर सकते हो। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे देख सकते हो श्रम और रोजगार मंत्रालय 11 जून 2020। आप यहां पे देख सकते हो जो प्रेस रिलीज हुआ है श्रम और रोजगार मंत्रालय की तरफ से। ये जो प्रेस रिलीज किया है आप यहां पे देख सकते हो। पूरे डिटेल्स में मैं अभी आप लोगों को बता देता हूं। ईपीएफ पेंशन भोगियों के लिए जीवन प्रमाण संचालन हेतु सीएससी सेंटर नेटवर्क, सीएससी सेंटर आजकल हर चौराहे पे आपको मिल जाएगा। सीएससी सेंटर में जाके आप अपने जीवन प्रमाण पत्र आप जमा कर सकते हो। प्रेस रिलीज हुआ है आप यहाँ पे देख सकते हो। मैंने बड़ा करके दिखा देता हूँ, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ईपीओ पेंशन भोगियों के लिए घर के नजदीक तक सेवा पहुंचाने की आवश्यकता की देखते हुए आप यहाँ पे देख सकते हो। कोविड-19 के महामारी के दौरान 3.65 लाख से ज्यादा कॉमन सर्विस सेंटर में ये उपलब्ध हुआ है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो 65 लाख पेंशन भोगियों के उनके निवास स्थान के करीब डिजिटल जीवन प्रमाण जमा करने की सुविधा प्रदान कर रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो 3.65 लाख से ज्यादा कॉमन सर्विस सेंटर में ये सुविधा प्राप्त हो गया। अभी आप जाके यहाँ पे कर सकते हो। पूरे डिटेल्स में अगर आपको पढ़ना है ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेके आप आराम से पढ़ लीजिए। अब यहाँ पे दिखा देता हूँ ईपीएफ पेंशन भोगी यहाँ पे आपको कहाँ कहाँ जाना है। एक तो हो गया जो सीएससी सेंटर, जो कॉमन सर्विस सेंटर है वहां जाके आप जमा कर सकते हो। इससे अलावा भी आप जमा कर सकते हो। 135 क्षेत्रीय कार्यालय में जमा कर सकते हो, 117 जिला कार्यालय में भी आप जमा कर सकते हो। इससे अलावा आप बैंक में भी जाके आप जमा कर सकते हो। आपके जो जीवन प्रमाण पत्र है वो जाके आप बैंक में जमा कर सकते हो। ये सारे ब्रांच में नहीं लेते जीवन प्रमाण पत्र। इस ब्रांच में आपका पेंशन के लिए देखभाल होता है, उसी ब्रांच में जाके आपको जोगाजोग करने पड़ेगा। उस ब्रांच में आपके जीवन प्रमाण पत्र दे के आप जमा कर सकते हो। उसके बाद ये नीचे आने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो। मैंने शॉर्टकट आप लोगों को बता देता हूँ। ईपीएस पेंशन भोगियों के उनकी सुविधा के अनुसार पूरे वर्षों के दौरान कभी भी डिजिटल जीवन प्रमाण प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण नीतिगत परिवर्तन किया गया है। जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की तिथि से लेकर एक वर्ष तक ये वैध रहेगा। आप यहाँ पे देख सकते हो पूरे साल में आपको एक बार जमा करना होता था, वो भी आपको कौन सा नवंबर तक आपको जमा करना होता था। अब क्या हो गया, आपको पूरे साल में कभी भी आप जाके ए वाले सेंटर में आप जमा कर सकते हो। जो मैंने 3-4 चीजें बताया वहां पे जाके आप जमा कर सकते हो। आपके घर के पास जो भी आपको मिलेगा वहीं पे जाके आप जमा कर सकते हो आपके जीवन प्रमाण पत्र। यहाँ पे देख सकते हो जो पेंशनधारियों के लिए ये बहुत सारे सुविधा लेके आया। 65 लाख ईपीएफ पेंशन भोगियों के लिए देख सकते हो। जो रिलीज आईडी है ये रिलीज आईडी है, ठीक है। आप देखने चाहते हो तो देख सकते हो। और नीचे आने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो पंजाबी, इंग्लिश, उर्दू, मराठी, बंगाली, उड़िया सारे कुछ में आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। ये था पूरे अपडेट। आपको एक बात को आपको ध्यान रखना है, आप जब भी पेंशन जीवन प्रमाण पत्र आप लेके जाओगे बैंक में, जो बैंक पेंशनर के लिए सपोर्ट करता है उसी बैंक में ही आपको जाना है, उसी ब्रांच पे। बैंक बहुत सारे है, बैंक में जो ब्रांच है छोटे छोटे ब्रांच है, छोटे छोटे ब्रांच में सपोर्ट नहीं करते हैं, पेंशन के रिलेटेड कुछ भी नहीं देखते हैं। तो आपको उस वाले छोटे ब्रांच में नहीं जाना है, आपको ब्रांच में जाके पूछने पड़ेगा कौन सा ब्रांच में सपोर्ट करते हैं पेंशनर के लिए। दोस्तों इस जानकारी को अगर आपको अच्छा लगा एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। जैसे मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।